नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से पथ विक्रेताओं की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। पथ विक्रेताओं के लिए लागू इस योजना से गरीब हॉकर्स के चेहरे खिलने की आशा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और उनकी टीम की सराहना की। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनपा के समाज कल्याण विभाग ने सुरेश भट्ट सभागृह में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। गडकरी के हाथों उद्घाटन किया गया। विधायक कृष्णा खोपड़े, दीपक कुमार मीणा, राम जोशी, विजय सिंह, रविन्द्र भिलावे, विजय हुमने, हरीश राउत, अजय मानकर, रज्जा कुरेशी आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से लगभग 20,000 लोगों को कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। कर्ज आपूर्ति में बैंकों की बड़ी भूमिका है। गरीबों को कर्ज दिलाने में कई तरह की अड़चन आती है। पंडित दीनदयाल अंत्योजन योजना के तहत गरीबों को अंतिम क्षण तक सेवाएं करनी चाहिए। मनपा के समाज कल्याण विकास विभाग द्वारा ये कार्य किया जाना काफी सराहनीय है। पथ विक्रेताओं ने भी विश्वसनीयता का जतन कर कर्ज का भुगतान करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक नाना पटोले ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में वे सरकार को सतत सलाह देते रहते थे, लेकिन अब केवल दो ही नेता पूरी सरकार चला रहे हैं तो राज्यपाल चुप क्यों है। पटोले गढ़चिरौली जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर जाने के पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए बोल रहे थे। सोनिया गांधी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नोकझोंक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ईरानी के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष पर टिप्पणी भाजपा की संस्कृति उजागर करती है। सोनिया गांधी का सम्मान पूरा देश करता है। उनके नेतृत्व में दो बार पूरे समय तक यूपीए की सरकार आई। ऐसे नेतृत्व के संबंध में नीचे स्तर पर जाकर टिप्पणी करने वालों को देश की महिलाएं और जनता माफ नहीं करेंगी। पटोले ने आरोप लगाया कि गढ़चिरौली जिले में आई बाढ़ और किसानों को हुआ नुकसान बीजेपी का पाप है। सिनोचा तहसील की जनता में हाहाकार मचा है। ये हालात हर वर्ष आगे भी आने वाले हैं। तेलंगाना राज्य में बनाए गए मेड़ीगट्टा बांध से छोड़ा गया पानी गढ़चिरौली में घुसता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद राज्य चुनाव आयोग के आदेश पर 156 सीटों वाली महानगर पालिका में शुक्रवार को आरक्षण तय किया गया। इसमें नियमों के अनुसार तय प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकाली गई, किंतु वर्ष 2017 में हुए चुनावों की तुलना में ओबीसी वर्ग की सीटें घट गई। हालांकि वर्ष 2017 में मनपा में केवल 151 सदस्य संख्या थी, जबकि अब 5 सीटें बढ़ाकर 156 सीटें कर दी गई है। इसके बावजूद ओबीसी की 7 सीटें कम हुई है। वर्ष 2017 में ओबीसी की कुल 42 सीटें थी, जबकि शुक्रवार को निकाली गई लॉटरी के बाद ओबीसी के खाते में केवल 35 सीटें रही है। जानकारों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की सीटों को निर्धारित करने के आदेश दिए थे। इसी आधार पर आरक्षण भी तय किया गया। इसके बावजूद सीटें कम होने पर आश्चर्य जताया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार शुक्रवार को ओबीसी समुदाय के लिए निकाली गई लॉटरी के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग को केवल 23.5% की प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। एक और जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मरने वालों का भी सिलसिला जारी है। इस सप्ताह में एक के बाद एक मरीजों की मौत हो रही है। शुक्रवार को भी एक मरीज ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 10,344 हो गई है। 24 घंटे के भीतर जिले में 2,166 नमूनों की जांच की गई। इनमें 215 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सिटी के 142 और ग्रामीण के 73 लोगों का समावेश रहा। फिलहाल जिले में 1,662 एक्टिव केस है। इनमें 76 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है, जबकि 1,586 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। बारिश की वजह से इन दिनों सिटी में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सर्दी, जुखाम, खांसी और गले में इन्फेक्शन के मरीज तेजी से बढ़े हैं। वायरल इन्फेक्शन ने सबसे अधिक बच्चों को परेशान कर रखा है। स्कूल जाने वाले बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो बारिश के दिनों में वायरल इन्फेक्शन होता है, इससे बचने के लिए मास्क का उपयोग बेहतर हो सकता है। ताजुद्दीन बाबा दरगाह परिसर में विकास कार्य को गति दी जानी चाहिए। मजबूत निर्माण कार्य करने से वो लंबे समय तक टिका रहेगा। साथ ही इस परिसर में गरीबों के लिए ताजुद्दीन बाबा के नाम से 500 बेड का भव्य अस्पताल निर्मित करने की घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। ताजुद्दीन बाबा दरगाह परिसर का सौंदर्यकरण
अन्य विकास कार्यों तथा भविष्य में होने वाले ताजाबाद उर्स के उत्सव को लेकर गडकरी ने समीक्षा बैठक ली। विधायक प्रवीण दटके, मोहन मते, दयाशंकर तिवारी, सीपी अमितेश कुमार, प्रन्यास सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी, ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान और विश्वस्त उपस्थित थे। चर्चा के दौरान प्रन्यास सभापति सूर्यवंशी ने कहा कि अब तक ताजबाग परिसर के विकास पर लगभग 118 करोड़ का खर्च किया गया है। 115 करोड़ के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा छोटे दरगाह परिसर के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान आसपास के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यों में रुकावट डाली जा रही थी। इनके खिलाफ कड़ा रुख लेते हुए असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कराया गया है। चर्चा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में ट्रस्ट का कामकाज 4 करोड़ रुपए के फायदे में है। मनपा चुनावों में ओबीसी आरक्षण के कारण लगातार बढ़ते जा रहे चुनाव में अब अंतिम प्रक्रिया का पड़ाव पार हो चुका है। चुनाव को लेकर सभी तरह के आरक्षण सुनिश्चित होने से प्रभागों में सीटें भी सुनिश्चित हो गई है, जिससे अब वास्तविक चुनाव के लिए मनपा का राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो चुका है। शुक्रवार को ओबीसी और सर्वसाधारण वर्ग के लिए हुए आरक्षण के बाद कमोबेश प्रत्येक प्रभागों में चुनाव लड़ने के इच्छुक और स्थानीय नेताओं की दावेदारी का मसला अब स्पष्ट होता जा रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रभाग में अपनी दावेदारी के लिए न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी इच्छुकों के बीच अभी से खींचातान शुरू हो गई है। जानकारों के अनुसार सुकू की ओर से ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी देने के बाद जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में आरक्षण का अंतिम राजपत्र घोषित होने के बाद केवल वास्तविक चुनाव की घोषणा बाकी रह जाएगी। हालांकि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में परिवर्तन होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, किंतु प्रभाग रचना बदलने के बजाय ओबीसी आरक्षण भी निर्धारित होने के कारण अब प्रभाग पद्धति बदलने की संभावनाएं धूमिल होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जितनी प्राणवायु की जरूरत है उतनी ही जरूरत बिजली के क्षेत्र में देशों को आत्मनिर्भर बनाने की है। इसी तरह सोलर ऊर्जा को अधिक प्रोत्साहन देकर महावितरण का 24% वितरण नुकसान कम करने की जरूरत है। वे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित ऊर्जा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क और संवाद, ये चार चीजें जहां होंगी वहां उद्योग आएगा और रोजगार निर्माण होगा और उस इलाके की गरीबी दूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक गाँवों में बिजली पहुँचाने का निर्णय लिया। मेलघाट व गढ़चिरौली के कुछ गाँवों में आज भी बिजली नहीं पहुँची है। हर गाँव में बिजली पहुँचेगी तो वहाँ नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव होगा। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व मेयर दयाशंकर तिवारी, महावितरण के प्रादेशिक संचालक दिलीप दोड़के, अधीक्षक अभियंता परांसपे व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि देश में चलने वाले सभी जनरेटर अब इथेनॉल पर चलना चाहिए। बिजली वितरण हानि कम करने, सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने, जैविक ईंधन और इलेक्ट्रिक ईंधन का उपयोग हुआ तो ही भविष्य में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक देश भर में होने वाले हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य जयप्रकाश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और अभियान में भाग लेने के लिए खादी का तिरंगा भी भेंट किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। नागपुर शहर के 7 लाख घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडे फहराए जाएंगे, साथ ही पूरे जिले में 12 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने जिला प्रशासन से इस अभियान के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। झंडे बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्हें तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का सहयोग लिया जा रहा है। झंडा संहिता का पालन करने के लिए नागरिकों को हर घर तिरंगा फहराने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में सभी को जागरूक किया जा रहा है। सावनेर स्थित अरविंद इडो पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया। 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तकनीकी विकास और आधुनिक जीवन शैली की वजह से पर्यावरण में असंतुलन बना हुआ है।
पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी, हवा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, पेड़, जानवर, भोजन आदि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। प्रकृति के इन्हीं संसाधनों और उसके संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों जैसे प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलना, जनसंख्या दबाव, मिट्टी का क्षरण और वनों की कटाई आदि को लेकर लोगों को आगाह करना और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, ईंधन, वायु, खनिज, मिट्टी, वन्य जीव आदि के संरक्षण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। स्कूली विद्यार्थियों ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर रेखा चित्र तैयार किए, स्लोगन्स लिखे एवं कविताओं के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। हाल ही में नवयुवक सराफा एसोसिएशन ने अपना सामाजिक कार्य जारी रखते हुए सफल रक्तदान व शारीरिक जांच शिविर का आयोजन किया। ये शिविर खंडेलवाल भवन पुलोली इतवारी में शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इस भव्य शिविर में रक्तदान, सामान्य स्वास्थ्य जांच परीक्षण, हृदय रोग जांच, दंत जांच, हड्डी रोग निदान व तथा नेत्र जांच व निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। इस शिविर में 115 लोगों ने रक्तदान किया। ये संकलित रक्त शासकीय मेयो हॉस्पिटल को दिया गया ताकि इसका उपयोग समाज के गरीब जरूरतमंद रुग्णों को हो। शिविर में करीब 90 लोगों ने रक्त जांच कराई जो बाहर निजी लैब में 4000 रुपए में होती है, उसे सिर्फ 600 रुपए में कराई गई तथा सामान्य स्वास्थ्य जांच परीक्षण कराया गया। ये शिविर NYSA के नेतृत्व में स्वर्गीय शशि देवी अभय रावंका, स्वर्गीय सरस्वती देवी जेठमल जड़ियास, स्वर्गीय अनंत राय बखाई, स्वर्गत नवलचंद पुगरिया, स्वर्गीय राकेश रमेश गुप्ता, स्वर्गीय धर्मिष्ठ बेन नरेंद्र पारेख, स्वर्गीय सोहन सावरकर की स्मृति में उनके परिवार के सहयोग से तथा मार्क सॉफ्टवेयर ANDE इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस SB हॉलमार्किंग सेंटर के सहयोग से किया गया। ये शिविर मनोज लुनावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। WRC और WICASA की नागपुर शाखा ने छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड अध्ययन बोर्ड ICAI के संचालन के तत्वाधान में एक सफल 2 दिवसीय मेगा CA छात्र सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बड़ौदा, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती आदि शहरों के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। IPS अमितेश कुमार, पुलिस आयुक्त नागपुर ने समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों को अपने संबोधन में कहा कि CA फैकल्टी के छात्र को जिस तरह की सलाह और मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसे देखकर वे बहुत प्रभावित हुए हैं। वरिष्ठ और पेशेवर CA विशेषज्ञों से छात्रों को न केवल सही तरह का मार्गदर्शन मिलता है बल्कि नेटवर्क, पेशेवर इनपुट और अन्य लक्षण विकसित करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने इस तरह के ज्ञान से भरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए शाखा की प्रबंध समिति और टीम के विकास को बधाई दी और उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। झिंगाबाई टाकली में प्रोफेसर सुनीता केसरवानी के निवास स्थान में उनके द्वारा रचित साहित्य प्रयास का विमोचन वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता द्वारा किया गया। उपरोक्त अवसर पर सर्ववर्गीय समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रयास पत्रिका का अवलोकन करते हुए रामकृष्ण गुप्ता ने कहा, ये समाज उपयोगी साहित्य है। साहित्य के माध्यम से ही समाज व राष्ट्र को एक नई दिशा प्राप्त होती है। साहित्य समाज का दर्पण है। माता पिता की प्रेरणा से तथा पति गणेश केसरवानी के सहयोग तथा अटल विश्वास से सुनीता केसरवानी ने नई नई रचनाओं के प्रयास को रचा है। इसमें नई चेतना, संदेश व कुछ हास्य कविताओं का समावेश है। मुझे तथा अन्य साहित्यकारों को प्रयास आत्मविभोर तथा प्रसन्न चित्त कर देने पर विवश कर देंगे। उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि सुनीता केसरवानी साहित्य जगत में बधाई के पात्र है। कड़ी मेहनत तथा आत्मविश्वास से इसे रोचक साहित्य लिख पाने में वे सफल रही। अंत में संस्था के अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता ने उन्हें शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सरोज गुप्ता, संगीता अग्रहरी, रोशनी गुप्ता, नेहा गुप्ता, गणेश केसरवानी, रामदयाल अग्रहरी, संतोष ओमर, संतोष आर्य उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी युवक संघ का निःशुल्क 1 दिवसीय वैक्सीन मेगा कैंप भास्कर व्यास ग्राउंड पूर्व वर्धमान नगर नागपुर में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के 267 व 18 कुल 285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाने का लाभ लिया। आयोजन के सफलतार्थ नागपुर महानगर पालिका एवं पूर्व वर्धमान नगर सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल ने भी सहयोग दिया। धीरज लोया का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कैंप में विधायक कृष्णा खोपड़े,
पूर्व उप महापौर मनीषा धावड़े, प्रमोद पेंडके, हितेश जोशी, मधुसूदन सारडा, कमल तापड़िया, कमल कलंत्री, धर्मेंद्र बजाज, हरेश सोनी, महावीर मालू, मितेश भट्टड़, अध्यक्ष गोविंद झंवर, सचिव कृष्णा मानना, कपिल कांकानी, श्रीनाथ चांडक, मुकुंद दरक, आशीष जखोटिया आदि उपस्थित थे। चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्टील एंड हार्डवेयर चेंबर ऑफ विदर्भ के पूर्व अध्यक्ष तथा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये संगठन व्यापार और उद्योग की एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च निकाय है। वर्ष 1981 में व्यापारियों के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के समक्ष व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का गठन करने का संकल्प लिया गया था। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को शुरू में व्यापार और उद्योग से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए 9 अगस्त 1981 को अखिल भारतीय व्यापारी संगठन के संघ के रूप में गठित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1995 में संगठन का नाम बदलकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कर दिया गया। स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा ने 1986 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में BUVM का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में BUVM ने व्यापारियों और उद्यमियों के लिए राहत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रबंधन और ग्रामीण भागीदारी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने कहा कि भारतीय गांवों की वास्तविक परिस्थिति और नागरिकों के मन को समझकर उसके प्रबंधन की आवश्यकता है। कार्यशाला का उद्घाटन कस्तूरबा सभागार में किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद हैदराबाद के अध्यक्ष डॉक्टर WG प्रसन्ना, बिस्वेन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेंथ बेस्ड प्रैक्टिस के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट पोल्ला एवं महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार मंचासिंह थे। डॉक्टर वेंकट पोल्ला ने ग्रामीण प्रबंधन को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि समाज कार्य के पाठ्यक्रम में क्षमता विकास आवश्यक विषय वस्तु होनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रमों में आवश्यक सुधार करने की बात कही। डॉक्टर WG प्रसन्ना ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संदर्भ देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को कर्म, भक्ति और ज्ञान में सक्षम बनना चाहिए। छात्रों को बाहर की दुनिया का सामना करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तैयार करना चाहिए। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से 25 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। सेंटर पॉइंट होटल नागपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जेनेटिक ब्लड मैच ऐप का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनजी भागवत के हाथों से किया गया। कार्यक्रम थैलेसीमिया व सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, थैलेसीमिया व सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर विकी रुंगवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत थैलेसीमिया व सिकल सेल से पीड़ित बालक व बालिकाओं ने किया। प्रस्तावना के दौरान डॉक्टर विंकी रुग्वानी ने बताया कि थैलेसीमिया व सिकल सेल ये गंभीर बीमारियां और अनुवांशिक बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में आती है। इसलिए ब्लड मैच ऐप का इस्तेमाल करने से हमारे देश के करोड़ों लोगों को उनकी थैलेसीमिया व सिकल सेल की जानकारी मिल पाएगी और साथ ही ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके होने वाले संतान को ये गंभीर बीमारियां तो नहीं होगी। तत्पश्चात ऐप का उद्घाटन मोहनजी भागवत के हाथों किया गया। उस समय ऐप के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। ट्राइबल डिपार्टमेंट के एडवाइजर विनीता श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के पूरे देश में आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर के बाजारों में तिरंगे झंडे की मांग में बेतहाशा वृद्धि दिन ब दिन हो रही है। यहाँ तक कि बाजारों में झंडे मिल ही नहीं रहे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री नवीन खंडेलवाल ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मंडी सूरत में ही अकेले कपड़ा व्यापारियों को 5 करोड़ से अधिक तिरंगे के ऑर्डर मिले हैं, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मिलों में काम चल रहे हैं। वहीं अन्य राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में जहां भी कपड़ा मंडियां हैं, वहां लोगों ने अन्य रूटीन काम छोड़कर तिरंगे झंडे बनाना शुरू कर दिया है।
आमतौर पर बाजारों में 96, 1812, 1624 आदि साइज के झंडों की बहुत मांग है। भरतिया एवं घर निर्माण ने बताया कि देश के कोने कोने में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है और इस वजह से फिलहाल तिरंगे के ज्यादातर ऑर्डर कपड़ा बाजार के व्यापारियों को ही मिल रहे हैं। एनटीपीसी मौदा द्वारा वर्धा और भंडारा जिले में विद्युत मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ऊर्जा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति और वृद्धि के बारे में जागरूकता फैलाने की और एक पहल है। वर्धा में ये महोत्सव 26 जुलाई और 28 जुलाई को हिंगनघाट और सेवाग्राम में आयोजित हुआ एवं भंडारा जिले में 27 जुलाई को हुआ। साकोली में ये आयोजन 29 जुलाई को हुआ। इस अवसर पर लाभार्थियों ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए स्कीमों का उल्लेख किया और उनसे प्राप्त हुए फायदों का वर्णन किया, जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने हेतु लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के मंत्रीगण को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्युतीकरण के लिए उठाए गए कदम और विद्युत क्षेत्र में हुए उत्कर्ष कार्यों जैसे उपभोक्ता अधिकार, घरेलू विद्युतीकरण, गांव के विद्युतीकरण आदि पर निर्धारित शॉर्ट फिल्में लाभार्थियों को दिखाई गई। बिजली से जीवन में हुए लाभ, महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक और नृत्य कला की प्रस्तुति भी दी गई। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोहा उछाल मारते हुए 85 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा था, लेकिन अब 65 रुपए प्रति किलो आने से आशियाना बनाने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रेत और ईंटे की बढ़ी कीमतों ने टेंशन बढ़ा दी है। इस समय बारिश के कारण घाटों से रेत लाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते रेत के भाव में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बारिश का असर ईंटों के निर्माण कार्य पर भी पड़ा है। इस समय हाथ भट्टा व राउंड भट्टा ईंट की कीमतों में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाथ भट्टा ईंट जहां 6,000 रुपए प्रति 1,000 ईंट चल रही है, वही राउंड भट्टा की कीमत 7,000 रुपए चल रही है। सीमेंट के भाव 365 से 370 रुपए प्रति बैग चल रहे हैं। ये भी आम लोगों के लिए भाव बहुत ज्यादा ही है। गृह निर्माण का बजट बिगाड़ने का काम सीमेंट से अधिक रेत कर रही है। गृह निर्माण करने वालों के अनुसार सीमेंट अभी भी महंगी ही मिल रही है। इसके भाव 300 से 320 रुपए प्रति बैग आने चाहिए, वही रेत तो बस के बाहर होती जा रही है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।